इनका जो ग्राफ होता है वो हर जगह जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है और स्मूथ होता है, मतलब कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है, कहीं ग्राफ टूटा नहीं होता है और कहीं भी ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट नुकीला पॉइंट नहीं होता। प्रॉपर्टी जाने थे हम लोग, इस बार नाम होता है रैशनल फंक्शन। ठीक ऐसा होता है रैशनल फंक्शन, लिखो रैशनल फंक्शन। देखो हमने क्या लिखा, रैशनल फंक्शन जैसे रैशनल नंबर नहीं होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में, वैसे ही ये भी होना चाहिए पी वाई क्यू के फॉर्म में। और जहां पे जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स और पी एक्स क्या है, पी वी एक्स का फंक्शन है, क्यू वी एक्स का फंक्शन है। और जहां पे क्यू एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी एक्स के लिए, जो भी आप उसको डोमेन में ले रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो, सवाल आ गया देखो, तो ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रैशनल फंक्शन, दिस इज योर रैशनल फंक्शन भी है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं या पहले रैशनल फंक्शन। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वैसी ही होती है, इनका डोमेन क्या होता है, ऑल नियर नंबर एक्सेप्ट अल्फा, एक्सेप्ट अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द वैल्यू एट विच डिनोमिनेटर इज जीरो। अगर रैशनल फंक्शन मिल जाए तो उसका डोमेन आप पूरा रियल नंबर बोल देना, बस हाँ ये देख लेना कि अगर डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो हो रहा है तो वो वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। तो हमने जैसे अल्फा एक अननोन वैल्यू घटा दिया, अल्फा क्या है, कोई वैसी वैल्यू होगी जिस पर डिनोमिनेटर फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होगा। रेंज क्या होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। कॉन्टिन्यूस होता है अपने डोमेन में, अपने डोमेन में ऐसा ग्राफ कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार बनता है, स्मूथ भी होता है, मतलब डिफेंसिबल होता है। इनर्स डोमेन, ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। अगला फंक्शन का नाम क्या है, अगले फंक्शन का नाम है क्या, नाम है इरेशनल, इरेशनल
ये कुछ एफ एक्स के पावर वन बाई एन टाइप के होते हैं या कोई भी कॉन्स्टेंट बाई एन टाइप के होते हैं। एन यहाँ पे कोई भी आपका इंटीजर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ठीक है, ये इरेशनल हो गया, अंडर रूट लग गया, पावर थ्री बाई टू ये भी इरेशनल इरेशनल फंक्शन है, ठीक है भैया। ये सब क्या आपके इरेशनल फंक्शन होते हैं जब पावर आपका कुछ इस फॉर्म का होता है, वन अपॉन एन या समथिंग कोई भी कॉन्स्टेंट अपॉन एन टाइप का, एन वाई इंटीजर होता है। मुझे पावर फ्रैक्शन में होता है तो आप कह सकते हो कि क्या है, इरेशनल फंक्शन है। पावर अगर फ्रैक्शनल में होता है, फ्रैक्शन में, तो आप कह सकते हो क्या कि इरेशनल फंक्शन है। प्रॉपर्टी क्या होती है, डोमेन वही होता है रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा, अल्फा किसके लिए, मतलब कि यहाँ भी डोमेन होता है ना वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, यहाँ भी जो डोमेन होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, रेंज भी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में और डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में, ठीक है। ये बात भी लिख लीजिए, फिर सेम प्रॉपर्टी है, इरेशनल फंक्शन बात क्या आता है बेटा, शुभम इरेशनल फंक्शन की बात क्या आता है भैया, मॉड्यूल फंक्शन सर, मॉड्यूलस। अच्छा मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलर है, मॉड्यूलस मॉड्यूल मॉड्यूलर फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन को मॉड्यूलस कहेंगे, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग मॉड एक्स, क्या पढ़ते हैं मॉड एक्स। हाँ तो कोई भी एफ एक्स अगर इसको पढ़ते हैं मॉड एक्स, दो स्ट्रेट लाइन के बीच के सेगमेंट के बीच में अगर एक एक्स है तो उसको लोग कहते हैं क्या मॉड एक्स, ठीक है। इन दिस केस आईटीसी मतलब, आईटीसी मतलब इन दिस केस, हाँ इन दिस केस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मॉड केस में अब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है भैया। मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड कभी नेगेटिव नहीं देता। हाँ इसका काम क्या होता है बेसिकली, काम होता है नेगेटिव नंबर को मॉड लोगे तो पॉजिटिव कर देगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। जैसे वन को वन रहने देगा बस खाली साइन चेंज करता है, ठीक है। माइनस 22.2 हो गया तो इसका मतलब 22.2 रहेगा, ठीक है। जीरो पे आंसर जीरो रहेगा, 22 पे आंसर 22 ही रहेगा, पॉजिटिव को नहीं छेड़ता है, रूट टू पे रूट टू ही रहेगा। जब पॉजिटिव है तो मॉड कहता है कोई मतलब ही नहीं है मेरा, मॉड कहता है भाई मेरी जरूरत तब है, मेरी जरूरत तब है जब वैल्यूज माइनस में हो, मैं आऊंगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा, बाकी जो पहले से प्लस में है तब वहां पर मेरी जरूरत है ही नहीं, वहां मेरी जरूरत है ही नहीं। अभी हम होंगे कह रहे हैं, आइए देखते हैं इसका डिफरेंशन कैसा होता है। अच्छा तो जैसे मॉड में अगर माइनस एक्स ले लें तो इसको प्लस एक्स कर देगा, एक्स पॉजिटिव मान लो, हाँ तो कहें मतलब मॉड ऐसा क्या करता होगा मालूम है, मॉड नेगेटिव नंबर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता होगा, तो पॉजिटिव बना रहा है, बोलो। तो
जो y इक्वल टू अगर हम मॉड एक्स लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर x आप पॉजिटिव ले रहे हो, पॉजिटिव इनपुट ले रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव इनपुट ले रहे हो तो ऐसे केस में क्या होगा कि मॉड हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो आ रहा है सर ये लास्ट वन जिससे जो बताया है x वाला। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं कि मॉड अगर आप x पॉजिटिव ले रहे हो तब तो आप मॉड हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अब मॉड हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, ठीक है। यस सर। अच्छा यदि x इक्वल टू जीरो ले लो तो ऐसे केस में जीरो पे जीरो होगा, जीरो पे क्या है, जीरो है भैया। अच्छा यदि x नेगेटिव ले लो, अगर x नेगेटिव लोगे तब भी मॉड x का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, यदि x नेगेटिव ले लोगे तब भी मॉड x का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, मतलब ये इस नेगेटिव x में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता होगा, क्योंकि x तो नेगेटिव है और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, मान लो मॉड माइनस टू ले लो इसका आउटपुट माइनस टाइम्स x होना चाहिए, यही x है आपका नेगेटिव x है, तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा तो प्लस टू बन जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ यदि x नेगेटिव है मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, यदि x नेगेटिव है लेस देन जीरो है तो मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो बेसिकली क्या है, जीरो है क्या, जीरो एक ऐसी वैल्यू है जहां पे मॉड एक्स जीरो हो रहा है, तो जीरो यहाँ पे मॉड एक्स का रूट कहलाएगा। क्लियर? सर जीरो सर थर्ड वाले में एक्स रहेगा ना, थर्ड वाले में माइनस एक्स रहेगा, अगर ये एक्स ही लिखोगे तो एक्स नेगेटिव है ना बेटा, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना। यस सर, उसको पॉजिटिव किया है माइनस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक्स नेगेटिव ऐसा मैं मान रहा हूं। हियर जीरो इज रूट ऑफ मॉड एक्स, रूट मतलब क्या होता है, वो कोई भी वैल्यू जिसको रखने में फंक्शन जीरो होता है कहते हैं वो फंक्शन का रूट है, फंक्शन क्या है, रूट है। बात समझ में आई भैया? यस सर। ये तो आगे बढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है इस समय। अच्छा यही अगर मॉड में x माइनस ए हो जाता तब कैसे ब्रेक करते, तब तो भाई जब x माइनस ए ये पूरा सिस्टम यदि पॉजिटिव होता तब हम लोग मॉड हटा देते, बोलो हाँ क्या कहते हो? यस सर। अगर मॉड के अंदर का पूरा सिस्टम यदि पॉजिटिव हो जाए तभी मॉड हटेगा। अच्छा x माइनस ए यदि जीरो हो जाए तो ऐसे केस में मॉड भी ये भी जीरो हो जाएगा, और जो मॉड के अंदर जो भी सामान ले रहे हो यदि ये नेगेटिव हो जाए तब मॉड आएंगे तो माइनस लगाएंगे। क्या कहते हो, समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ से एक बात होता उठा, ए उधर भेज दो तो एक्स ग्रेटर देन ए हो गया, यहाँ से एक्स इक्वल टू ए हो गया, यहाँ पे x लेस देन a हो गया, a इधर भेजो, सबको a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, यही पाओगे x की वैल्यू। हाँ यहाँ पे a क्या है, a इसका रूट है, a इज रूट ऑफ मॉड x माइनस a, रूट मतलब x इक्वल टू a पर इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, x इक्वल टू a पर इसका वैल्यू जीरो हो रहा है। कहानी लिखते चलिए, ठीक है, कहानी को लिखते चलिए, एग्जाम्पल लिख चुके होंगे मैं मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल लिख चुके होंगे मैं मिटा रहा हूं। यस सर। ध्यान दीजिए फिर। अच्छा तो हमने क्या देखा, क्या मॉड एक्स का जो डेफिनेशन है ना वो ब्रेक हो रहा है तीन हिस्सों में, लेकिन वो तीनों हिस्सा जो ब्रेक हो रहा है वो रूट्स के अलॉन्ग ब्रेक हो रहा है, अबाउट ब्रेक हो रहा है। जीरो यहाँ पे रूट था तो जीरो के आगे और जीरो के पीछे, जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा, यहाँ ए पे जीरो हो रहा है तो ए के आगे या ए के पीछे, मतलब ए से बड़े पे मॉड फर्क नहीं पड़ना है,
अपने रूट से जब छोटा होगा मॉड को फर्क पड़ना है, ठीक है। तो कहानी लिख लीजिए, जैसे कहानी क्या लिखोगे, मॉड एक्स, एक्स क्या यहाँ पे मॉड में कोई कुछ भी रख दो, फंक्शन रख दो आप, मॉड एफ एक्स ब्रेक्स अबाउट इट्स रूट, ठीक है, अबाउट इट्स रूट, इसको याद रखिए, अपने रूट के अबाउट ब्रेक होता है। एग्जाम्पल, अगर मॉड में एफ एक्स है एंड मान लीजिए कि एफ ए जीरो हो रहा है, ए मतलब ए इसका रूट है, हाँ, तो अगर एक्स ग्रेटर देन ए लेंगे, हाँ, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए मॉड एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, मतलब अगर एक्स से बड़ी, ए से बड़ी वैल्यू आप लोगे एफ एक्स में तो मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए इसका रूट है, रूट से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो मॉड हट जाता है, हमें दिख रहा है। ऐसे ही अगर x इक्वल टू a लोगे तब तो ये जीरो हो जाएगा, यदि x लेस देन a लोगे तो ऐसे केस में मॉड एफ एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स एफ एक्स, क्योंकि अपने रूट अगर a पे जीरो है तो a के छोटे पे, हाँ, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा मान लो, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा मान लो, मतलब ये ग्राफ बढ़ ही रहा है ऐसे, हाँ तो घट रहा होगा तो उल्टा हो जाएगा ना, तो a पे जीरो है, अगर a से छोटे पे क्या होगा, ये फंक्शन जो है मॉड आएंगे तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स जो है इंक्रीज कर रहा है ऐसे और कॉन्टिन्यूस कहीं ब्रेक नहीं कर रहा होगा तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। खैर ये अपनी तरफ से तुमको बातें बता रहा हूँ, हटा रहा हूँ सब, मैं मिटा रहा हूँ। यस सर, देखिए तो हमने क्या कहा, आपका जो y है इसका है तीन परिभाषा, y इक्वल टू x हो जाएगा, y इक्वल जीरो हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा, यदि x पॉजिटिव होगा x जीरो होगा और x अगर लेस देन जीरो होगा, जीरो यहाँ पे रूट है, तो ये जीरो यही है, जीरो यही है, तो जीरो से बड़े के लिए इधर क्या है आपका x ग्रेटर देन जीरो, इस साइड क्या है आपका x लेस देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए y का वैल्यू क्या है, x, y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन होता है, y बराबर x जो होता है यह आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, y बराबर x, y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसा ग्राफ बनाओगे ना तो जैसा y वैसा x, मान लो x अगर 1 ले लोगे तो y भी 1 होगा तो यहाँ बनेगा, x अगर 2 ले लोगे तो y भी 2 होगा तो यहाँ बनेगा, जब जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा एकदम सीधा, हाँ अभी हम लोग जानेंगे इसको, और ये ओरिजिन से पास होगा, यहाँ पास नहीं हुआ, ये ओरिजिन से पास होगा। तो मान लो जो मैं बोल रहा हूँ ये जो ग्राफ होगा आपका ऐसा बनेगा कुछ, और बराबर इंक्लिनेशन रहेगा जितना x से उतना ही y से, ठीक बाबू,
दिस इज y इक्वल टू x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये एंगल आपका होगा 45 डिग्री, हाँ इक्वली इंक्लाइंड रहता है x एक्सिस से y एक्सिस से, y क्या है mod x है, mod x का ग्राफ बनाना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अब जब y इक्वल टू जीरो पे जीरो है तो देखो जीरो पे हमने जीरो कर दिया है, जीरो पे हमने जीरो कर दिया है, अब x लेस देन जीरो के लिए y क्या है माइनस x है, माइनस x का ग्राफ ऐसा बनता है, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है ऐसा बनेगा, मतलब x जो भी लोगे x अगर वन लोगे सॉरी x नेगेटिव ले रहे हो ना, तो x अगर माइनस वन लोगे तो y क्या आएगा आपका, क्योंकि y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा, x अगर माइनस वन लोगे तो y क्या आएगा प्लस वन आएगा, x अगर माइनस टू लोगे तो y क्या आएगा प्लस टू आएगा, मतलब x के माइनस वन पे y प्लस वन, x के माइनस नेगेटिव x पे y पॉजिटिव आएगा, मतलब यही ग्राफ एकदम सेम बनेगा बस लेफ्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यही ग्राफ सेम बनेगा बस सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा बेटा। ये भी आपका 45 डिग्री है, ये लाइन है आपका y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ है, तो मॉड x ऐसा बनता है v शेप का, मॉड x का ग्राफ ऐसा बनता है v शेप का, ये कहां जीरो हुआ जहां पे जीरो है, मतलब जीरो पे जीरो है इससे, ठीक है जीरो पे जीरो है इससे, फटाफट छापो फटाफट छापो, प्रॉपर्टी पे आओ, डोमेन पूरा रियल नंबर, ये देखो ना, अब मॉड एक्स में आप तो कोई भी रियल नंबर लियो, जीरो से बड़ा जीरो और जीरो छोटा रियल नंबर इतना होता है, जीरो से बड़ा मतलब कहां तक इनफाइनाइट तक, जीरो छोटा मतलब कहां तक माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब अगर ग्राफ देखो, ग्राफ देखो सभी बच्चे, सभी बच्चे यदि ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस पे पूरा ग्राफ बना हुआ है, पूरा ग्राफ किसी भी एक्स के लिए बनेगा ही, रेंज क्या है इसका, कोई रेंज बताएगा हमको, कोई हमको रेंज बताएगा क्या, ग्राफ देख के आप रेंज निकाल पाओगे क्या, रेंज मतलब आउटपुट कहां से कहां तक, तो आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो ग्राफ जो है देखो हमेशा इसके ऊपर बना है, ग्राफ जो है हमेशा इस रीजन में बना है, x एक्सिस के ऊपर बना है ग्राफ, x एक्सिस के नीचे ग्राफ बना ही नहीं है, x एक्सिस के नीचे ग्राफ बना ही नहीं है, मतलब जो उसका रेंज है आपका जीरो से लेके ऊपर तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो क्लोज, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आउटपुट कभी देता नहीं है, तो उसका रेंज कभी नेगेटिव नहीं होगा, रेंज मतलब क्या होता है आउटपुट ऑफ फंक्शन, तो मॉड कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए इसका रेंज जो होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ग्राफ में वो दिख भी रहा है, ग्राफ जो है नेगेटिव वाई भी बना ही नहीं है, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई, मतलब पॉजिटिव वाई बना है, ठीक भैया आगे बढ़े, सीधा बोर्ड नहीं है, इस पर क्वेश्चन काफी आते हैं लेकिन आप बोर्ड में नहीं आते हैं, हाँ ये मेंस एडवांस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा, आपको दिक्कत बताइएगा, हालांकि मॉड के बारे में यही कहानी थी, आगे बढ़ेंगे हम, मॉड एक्स अगला नाम क्या था बेटा, अगला नाम बताइए, आदित्य सर लॉगरिथमिक, अच्छा लॉग या बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, मान लो कोई फंक्शन है x का log
एल ओ जी एक्स, इसका कुछ बेस होता है, तो कुछ बेस होता है, लॉग के पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ा दें क्या? लॉग के पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद लॉग पढ़ेंगे। हाँ हेडिंग डालो क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फॉर्म का होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म का होता है, जहां पे ए कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ए जो होता है आपका, या तो आप फ्रैक्शन लोगे जीरो के बीच में, या ए की वैल्यू आप वन से बड़ी देते हो, ठीक है। ए या तो आप फ्रैक्शन लोगे, या तो ए आप वन से बढ़ा लेते हो, ठीक है। वन ले लोगे तो वन का पावर कुछ भी लोगे वन ही रहेगा, और जीरो पे जीरो ही रहेगा। नेगेटिव लोगे तो पावर नेगेटिव पे सबका पावर बचता नहीं है। मान लो नेगेटिव की पावर हमने रूट कर दिया, वन बाई टू कर दिया, तो माइनस वन मेजर ही हो जाएगा, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। फ्रैक्शन लेते हैं, जीरो वन नहीं लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं, वन से बड़ा लेते हैं। और यहाँ पे एक्स क्या होता है, पावर, कोई भी रियल नंबर, पावर आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स वेरिएबल है, एक कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। दो केस है, एक केस ये वाला और एक केस ये वाला। यदि हम एक डेटा वन के लिए बात करें तो दोस्तों मतलब टू ले लो, और टू की पावर एक्स ले लो, वन से बड़ा है टू। इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो x इक्वल टू जीरो पे टू कॉस जीरो, तो वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे वन ले लो टू, टू ले लो तो फोर, एट ले लो टू की पावर टेन, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है वैल्यू, बहुत तेजी से बढ़ रहा है वैल्यू जो है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, ज्यादा रहेगा ये। अच्छा नेगेटिव पावर लो, जैसे माइनस वन ले लो तो टू पावर माइनस वन मतलब वन बाई टू, तो पॉइंट फाइव, और पावर नेगेटिव करते जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी लेकिन जीरो की तरफ जाएगी। तो मान लो पावर हंड्रेड कर दो, माइनस हंड्रेड, एकदम नेगेटिव ले लो, टू पावर माइनस हंड्रेड मतलब वन अपॉइंट टू पावर हंड्रेड, फिर मतलब क्या लगभग लगभग जीरो। ये जीरो होना चाहेगा, कभी हो नहीं पाता है, ये जीरो होना चाहेगा कि कभी हो नहीं पाता है, आपका जीरो है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे ही भागता है, बहुत तेज भागता है। यदि ए मतलब बेस, ए को हम लोग बेस कहते हैं, एक्स को हम लोग पावर कहते हैं। जो बेस है दो चरणों में पाया जाता है, या तो फ्रैक्शन में या तो वन से बड़ा। तो जब फ्रैक्शन में होता है तो ऐसे केस में, जैसे मान लो फ्रैक्शन में है, जैसे मान लो पॉइंट वन का पावर एक्स ले लो, फ्रैक्शन हो गया, यही वाई हो गया, समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो फ्रैक्शन में पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाती है। पावर टू कर लो तो पॉइंट वन का स्क्वायर पॉइंट जीरो वन, और छोटा हो गया। पावर थ्री कर लो पॉइंट जीरो जीरो वन। हाँ तो फ्रैक्शन में पावर बढ़ाते हो वैल्यू घटते 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 जीरो होना चाहेगा। पावर जीरो करोगे तो पॉइंट वन का पावर जीरो वन होता है।
जीरो पे तो वन ही होगा, लेकिन वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू घटती जाएगी, जीरो होना चाहेगा हो नहीं पाएगा। तो पावर 100 कर दो तो 0.1 का पावर 100 कितना होगा, 0.00100 बार, है कि नहीं। जीरो पे वन है। अच्छा, अब अगर x नेगेटिव में हो, नेगेटिव लो तो 0.1 का पावर 0.1 का पावर माइनस वन कितना आएगा, 1/0.1 मतलब 10 आ गया, मतलब नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0.1 का पावर माइनस टू 100 हो जाएगा, 0.1 का पावर माइनस थ्री 1000 हो जाएगा, मतलब क्या पीछे आएंगे तो वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, ये स्मूथ कर्व है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऐसा मान लो। तो इसी को 180 डिग्री घुमा दो, इसी को 180 डिग्री घुमा दो तो ये बन जाता है कि नहीं, और इसको 180 डिग्री घुमा दो तो ये बन जाता है, एक दूसरे को 180 डिग्री घुमा दो ऐसे बन जाता है। बना लो ग्राफ, तो इनकी प्रॉपर्टी एक बार आप लोग खुद से लिखिएगा ग्राफ देख करके, हाँ, और कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। आज क्लास इंपॉर्टेंट रही, हमने मॉडुलस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जाना, कल और आगे बढ़ेंगे, कल क्लास और इम्पोर्टेंट होगी। आज क्लास अभी अपने आप समाप्त हो जाएगी, आप सभी लोग को हैव अ नाइस डे, कोई दिक्कत हो तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम सोल्यूशन भेज देंगे। थैंक यू सर, वेलकम बेटा, वेलकम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम भैया, वेलकम। हाँ।